गाइस, फ्री फायर के अंदर एक अनोखी सी चीज है जिसको हम प्यार से वी वेज बोलते हैं, और वी वेज के पीछे लोग इतने ज्यादा पागल हैं कि अगर कोई उसके ग्रुप में वी वेज वाला आ जाए या फिर गलती से वो किसी वी वेज वाले के ग्रुप में चले जाएं तो वो बस एक ही चीज बोलते हैं कि भाई बिग फैन और रिक्वेस्ट भेज दो। तो यार ये आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि मुझे 50 से ज्यादा वी वेज यूट्यूबर्स ने, या फिर आप वी वेज प्लेयर्स बोल सकते हो, 50 से ज़्यादा यूट्यूबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट सेंड किया था, और आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड क्या आपको पता है कि ये आप भी कर सकते हो, आपको भी कोई वी बैच यूट्यूबर्स या फिर वी बैच प्लेयर रिक्वेस्ट भेज सकता है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ और आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कोई आपको रिक्वेस्ट सेंड करता है या फिर आपको कोई एक वी बैच यूट्यूबर वी बैच प्लेयर अपनी फ्रेंड लिस्ट में कैसे रखता है। तो मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी सुनाऊंगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना और वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। सो गाइस, यहाँ पे मैं स्टार्ट अपने आप से करूँगा क्योंकि अगर आपको बोलूँगा तो आपको बुरा लगेगा, और ये एक छोटी सी स्टोरी नहीं है, एक रियलिटी है। गाइस सीन क्या था कि मेरे पास वी बैच नहीं था जबकि मैं यूट्यूबर भी था, तो मेरे कुछ दोस्त थे जैसे कि मतलब बहुत सारे दोस्त थे, तो मैंने उन दोस्तों को बोला कि भाई मुझे रिक्वेस्ट सेंड करो, और कुछ दोस्त तो मेरे पहले से ही फ्रेंड लिस्ट में थे, तो कुछ ने मतलब मुझे यहाँ पे जिसको भी मैंने बोला मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दी गई और मेरे फ्रेंड बने गए। ठीक है, मेरे फ्रेंड बन गए जिनके पास वी बैच था या फिर जिनके पास वी बैच नहीं था। तो अब सीन क्या हुआ कि उनमें से कुछ लोगों ने मुझे अनफ्रेंड कर दिया, बाद में मैंने पूछा तो कुछ भी रीज़न दे दिया गया, और उसके बाद मैंने वापस से रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए बोला तो रिक्वेस्ट सेंड कर दी गई, और कंटिन्यू यही 2-3 बार होता गया। तो मुझे समझ में आ गया था कि यार एक चीज़ बताओ, अब देखो मैं आपको भी बोलता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि मुझे क्या समझ में आया था। आप जाते हो किसी के ग्रुप में या फिर कोई यूट्यूबर आपके ग्रुप में आता है, आप बोलते हो कि भैया बिग फैन, वी बैच देखने के बाद अगर किसी के पास वी बैच नहीं है तो क्या उस सामने वाले के भाई 10 मिलियन सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो, आप नहीं बोलोगे कि रिक्वेस्ट ले लो? या फिर आपके ग्रुप में कोई वी बैच वाला यूट्यूबर आता है, ठीक है, आप बोलते हो भैया रिक्वेस्ट ले लो, तो पहली बात तो अगर उस इंसान का नेचर ठीक होगा तो वो रिक्वेस्ट भेज भी देगा या फिर नहीं भी भेजेगा, या फिर वो 1-2 दिन के बाद डिलीट कर देता है, कोई ले भी लेता है शर्म की वजह से। तो यहाँ पे देखो अपने आप के अंदर आप वो क्वालिटी चेक करो कि वो आपकी रिक्वेस्ट क्यों लेगा, या आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हो, या फिर आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिससे उसको फायदा हो सकता है, या फिर आप उसके दोस्त हो रिश्तेदार हो, भाई आप हो क्या? अगर आप उसको बोलते हो कि भैया आप उससे फर्स्ट टाइम मिले हो, आपके ग्रुप में फर्स्ट टाइम आया बंदा, आप बोलोगे कि भैया रिक्वेस्ट ले लो, मैं आपके चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, वीडियो देखा हूँ, या फिर आप एक बात बताओ, फ्रेंड लिस्ट में 200 ही बंदे आ सकते हैं और 200 के 200 बंदे ऐसे होते हैं ज़्यादातर यूट्यूबर्स की फ्रेंड लिस्ट में जिनसे उनको काम होता है, मतलब काम के लिए रखे होते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स का आपको पता है वीडियो क्रिएट करना या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं। गाइस देखो मैं यहाँ पे सारे के सारे यूट्यूबर्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ वीवेज वालों को कि वो रिक्वेस्ट सेंड नहीं करते, कुछ बंदे ऐसे भी हैं भैया मतलब जिन्होंने आज तक किसी को अगर फ्रेंड लिस्ट में लिया है तो अनफ्रेंड नहीं किया है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और जब मेरे पास वीवेज नहीं था खुद के पास भी, तो तभी से मैं उनकी फ्रेंड लिस्ट में हूँ। और ऐसा नहीं है कि देखो मैं आपको आपकी बात बता रहा हूँ, अगर आप किसी को बोलते हो रिक्वेस्ट ले लो तो वो आपकी रिक्वेस्ट क्यों लेगा, आप ये चीज़ नोटिस करो आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे आपकी वो रिक्वेस्ट लेगा। तो गाइस देखो मैं अपनी बात बता देता हूँ, आज तक मैं जितने भी बंदों से मिला हूँ, चाहे वो 1 लेवल का 2 लेवल का 3 लेवल का कितने भी लेवल का पेयर हो, मतलब अगर उसने मुझे बोला है ना कि भैया रिक्वेस्ट ले लो, तो मैंने उसको कभी मना नहीं किया, मैंने सबका रिक्वेस्ट लिया है। हो सकता है कि मैंने भी बाद में अनफ्रेंड कर दिया हो, या फिर जिनका नेचर अच्छा रहता है, जो अच्छे से बात करते हैं, जो अच्छे से खेलते हैं साथ में, उनको तो मैं अनफ्रेंड भी नहीं करता, और मैं ज़्यादातर लोगों से इसलिए नहीं मिलता क्योंकि भैया सबकी रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे जितने भी गिल्ड मेंबर्स हैं, अगर 50 गिल्ड मेंबर्स हैं तो उनमें से मेरे फ्रेंड लिस्ट में 5 या 6 बंदे हैं, क्योंकि भैया आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट में स्पेस है, मेरी मतलब जगह रहती है कि और लोग भी आ पाए फ्रेंड लिस्ट में। तो यार देखो मुझे इतने सारे लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड किया क्योंकि मेरे पास वी बैच भी था, इनमें से जितने भी ज़्यादातर लोग हैं वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और काफ़ी अच्छा नेचर भी है, तो सब ने मुझे रिक्वेस्ट सेंड किया है क्योंकि मैंने घूम घूम के सबको बोला है कि भैया रिक्वेस्ट सेंड कर दो। और गाइस अगर आप बोलोगे किसी को या फिर आप मुझे बोलोगे कि उससे मिलवा दो इससे मिलवा दो, तो ऐसे नहीं होता। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी यही
ही सुनाई है कि किसी को रिक्वेस्ट भेजने से पहले आप ये चीज़ सोचो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे कि आपको कोई रिक्वेस्ट भेजेगा या फिर अपनी फ्रेंड लिस्ट में लेगा। तो सबसे पहले क्वालिटी लाओ अपने अंदर, ऐसा बनो कि आपको बोलना ना पड़े, सामने वाला खुद रिक्वेस्ट भेजे, तो तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, फ्री फायर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बिना यूट्यूब के भी अपना करियर बनाया हुआ है, या फिर उनका गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब गेम प्ले देखता है सामने वाला, तब भी रिक्वेस्ट की इतनी बड़ी बात नहीं होती। बस मेरे को यह चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप दूसरों को जाके बोलते हो और वो फिर आपको मना करते हैं, नहीं लेते फ्रेंड लिस्ट में। मैं अपनी तो बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया है। अगर किसी ने अच्छे से ट्रीट किया है मुझे या फिर मैंने किसी को अच्छे से ट्रीट किया है तो मैं इतना ही बोलूँगा। और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। ठीक है।